हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. दिस इज़ फिरदौस, आई एम योर मैथ टीचर. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 4 मैथमेटिक्स. सो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.8, ओके, विच इज़ बेस्ड ऑन द राउंडिंग ऑफ ए नंबर. ओके, विच इज़ बेस्ड ऑन द राउंडिंग ऑफ ए नंबर नियरेस्ट 10, 100, 1000. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. सो इन एक्सरसाइज 1.8. So here you have given in first question, that is round off each of the following number to the nearest tens. जो भी number आपको given है उसको क्या करना है, आपको nearest 10 round off करना है. So first question I am taking here. इसके साथ साथ आप लोग को rule भी मैं समझा दूंगा एक साथ. 273. So here you have to rounding off this number nearest 10, nearest 10 इसको राउंड ऑफ करना है आपको. ठीक है, तो किस तरह से करोगे देखो, आप मैं बताता हूँ आप लोग को. ओके, सी फर्स्ट काउंट फ्रॉम द राइट साइड, दैट इज वंस, टेंस. सो दिस इज योर टेंस. सो राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, वंस प्लेस को देखना पड़ता है, है ना. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 rounding off nearest 10, we have to see the ones digit number. ये चीज़ है, वन डिजिट नंबर को हमको देखना पड़ता है. इफ वंस डिजिट नंबर इज मोर देन और इक्वल टू 5, देन we have to add plus 1 on tens digit number. okay, tens digit number में 1 add कर दूँ, 1 add करना पड़ेगा. if less than 5 होगा तो क्या होगा, कुछ भी add नहीं करना है, कुछ भी add नहीं करना है. ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे. So what I said that if you have given to rounding of a number nearest 10, so you have to see the ones digit number. So here ones digit number is 3, which is what, more than or less than 5? It is less than 5. So don't need to add anything on the tens digit number. Tens place में कुछ भी add नहीं करना है, जैसे है उस तरह से लिख देना है. ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये 2 जैसे है उसे लिख दो आप. अब इसको करना क्या है, जहाँ पर टेंस हो रहा है उसके बाद जितना भी डिजिट है उसको क्या करना है, 0. एक ही डिजिट होता है तो 0. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तब ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा आपको. आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर बी 438. सो यू हैव टू लुक वंस डिजिट फॉर नियरेस्ट 10 करने के लिए वंस डिजिट को देखना पड़ता है आप. सो कैसे करोगे आप, सो फर्स्ट सी 8, वंस डिजिट इज 8, दिस इज योर मोर देन 5. अगर मोर देन 5 5 से बड़ा है, डैट मीन्स यू हैव टू ऐड 1 टू द टेंस. टेंस डिजिट में 1 ऐड करना, इट इज 3 प्लस 1 3 प्लस 1 4. और जो ये है ऐसे ही रखना है, इसको कोई दिक्कत नहीं है. और ये वाला को 0 कर देना है. ठीक है, जहाँ टेंस हो रहा है टेंस के बाद जो वंस है उसको 0 कर देना है. ठीक है, ये रूल है. नेक्स्ट एफ नंबर 10695. एफ नंबर 10695. सो हियर वंस टेंस यहीं तक हो रहा है मामला, बाकी सब कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो वो 106 ऐसे ही रह जाएगा. रुक जाओ एक सेकेंड, अभी ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है. तो फर्स्ट यू हैव टू लुक द वंस डिजिट नंबर. सो वंस डिजिट नंबर हियर इक्वल, इफ यू हैव नंबर गिवेन इक्वल टू 5 और मोर देन 5, तो इक्वल टू 5 है,
That means you have to add 1 here. So first convert this into 0, then add 1. If you add 1 to 9, that is 9 plus 1, what? 10. So 10 out of what? You have to write here 0, carry 1. कैरी भी होता है बच्चों, ठीक है, वन कैरी हुआ तो कैरी को इसमें प्लस कर देना, डेट इज़ 1 + 6, दैट इज 7, फिर बाकी सेम टू सेम लिख देना है, ये है आपका नियरेस्ट 10 वाला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, इन क्वेश्चन नंबर डी यू हैव गिवन 2173, सो यू हैव टू राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10, सो कन्वर्ट इट इंटू ज़ीरो, वंस प्लेस को, अगर नियरेस्ट 10 बोलेगा तो वंस प्लेस को ज़ीरो कर देना है, वंस प्लेस को क्या कर देना है, ज़ीरो कर देना है। उसके बाद देखना है वंस प्लेस में क्या 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, अगर 5 से बड़ा और इक्वल होगा तो टेंस में 1 ऐड करेंगे वरना नहीं करेंगे, अगर 5 से छोटा होगा तो नहीं करेंगे, यहाँ पे 5 से छोटा है तो इसमें नहीं करना, इट इज़ 7 हो जाएगा और ये वाला एज इट इज़ हो जाएगा, क्योंकि ये तो करना नहीं है हमको, तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर सी, ये भी थोड़ा डिफरेंट है, 1008, सो हियर वंस एंड टेंस, तो वंस वाला को ज़ीरो कर देने बोला मैं, ठीक है, ज़ीरो कर दिया। अब वंस प्लेस 5 से बड़ा है तो 1 प्लस करना पड़ेगा इसमें, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, और जो ये बचा एज इट इज़ इसको लिख देना है, तो ये हुआ। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.8। सो हियर यू हैव टू फाइंड द नियरेस्ट 100, ये आपका था नियरेस्ट 10 वाला, ये था आपका नियरेस्ट 10 वाला, ओके, ये आपका नियरेस्ट 10 वाला था, नाउ नियरेस्ट 100, सो टू राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 वी हैव टू सी the tens digit number. If tens digit number is more than or equal to 5, then add 1 on 100 digit number and make 00 isko ones and tens प्लेस डिजिट, ओके, तो इसको 00 फॉर्म कर देना है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ तब ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा आपको, ठीक है, ये चीज़ आपका। सो क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव व्हाट राउंडिंग ऑफ ए नंबर नियरेस्ट 100, सो आई एम टॉकिंग क्वेश्चन नंबर ए 416, क्वेश्चन नंबर बी 762, क्वेश्चन नंबर सी 931, क्वेश्चन नंबर डी 1097, क्वेश्चन नंबर ई 1354, क्वेश्चन नंबर जी 15481, ओके, इस तरह से। चलो अब मैं बनाता हूँ इसको, इसको क्या करना है, नियरेस्ट 100 करना है, नियरेस्ट क्या करना है आपको, 100 करना है। सो देखो यहाँ पे, सो नियरेस्ट 100 के लिए वी हैव टू लुक द टेंस डिजिट नंबर, वंस टेंस है ना, वंस टेंस है, और क्या करना है, मेक 00 वंस एंड टेंस डिजिट, वंस और टेंस डिजिट को 00 कर देते हैं, कब, नियरेस्ट 100 में, जब आपको बोलेगा नियरेस्ट 100, सो वंस टेंस, अब देखना है टेंस डिजिट वाला नंबर क्या है, छोटा है ना, छोटा है ना, वो 5 से छोटा है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, बड़ा होगा तो ऐड होगा,
इक्वल और बड़ा होगा तो ऐड होगा, बड़ा और इक्वल होगा तो ऐड होगा, वरना नहीं होगा कुछ, तो एज इट इज़ लिख देंगे 4। नेक्स्ट इन 7, 6, 2 वंस टेंस को क्या कीजिए, पहले 0, 0 कर दीजिए। नियरेस्ट 100 के लिए हमको क्या करना है, 0, 0 कर देना है वंस और टेंस डिजिट को, कर दिया मैंने। फिर लुक एट द टेंस डिजिट नंबर, इफ़ टेंस डिजिट इज़ मोर देन और इक्वल टू 5, तो 6 क्या है, बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो 1 ऐड करूँगा यहाँ पे, तो 7 + 1 = 8। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो आप, सो वंस टेंस को आप क्या कर दो, 0, 0 फॉर्म कर दो। फिर टेंस डिजिट वाला नंबर क्या है आपका, 3, यानी कि 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, इट इज़ 900। अगेन आप यहाँ देखो, वंस टेंस यहाँ हो रहा है, तो वंस टेंस को क्या कर देना पड़ेगा, 0, 0 कर देना पड़ेगा नियरेस्ट 100 के लिए, एंड यू हैव टू सी द व्हाट टेंस डिजिट नंबर 9, दैट इज़ 5 से बड़ा है, इट इज़ मोर देन 5, सो यू हैव टू ऐड 1, ओनली 100 डिजिट नंबर, दैट इज़ 0 + 1, दैट इज़ 1, एंड हियर 1 यू हैव, ओके। हियर ऑल्सो यू हैव गिवेन दैट इज़ वंस टेंस, सो मेक वंस टेंस 0, 0, फॉर नियरेस्ट 100 यू हैव टू मेक वंस एंड टेंस प्लस डिजिट नंबर 0, 0, एंड यू हैव टू सी द टेंस डिजिट नंबर, इफ टेंस डिजिट नंबर इज मोर देन और इक्वल टू 5, सो दिस इट इज इक्वल टू 5, देन यू हैव टू ऐड 1 ऑन अ व्हाट 100 डिजिट नंबर। सो हियर 100 प्लेस में जो भी है आपको उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 3 + 1 = 4, 1400 हो जाएगा। नेक्स्ट हियर वंस टेंस, सो मेक वंस टेंस 0, 0, एंड यू हैव टू लुक द टेंस डिजिट फॉर 100 नियर 100, सो हियर 8 मोर देन 5, सो यू हैव टू ऐड 1 ऑन दिस 100 प्लेस डिजिट, सो 4 + 1 दैट इज 5 एंड 5, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द राउंड ऑफ ए नंबर नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट 100, ओके। सो नाउ नियरेस्ट 1000, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व नियरेस्ट 1000, सो हाउ टू फाइंड द नियर राउंड ऑफ द नंबर नियरेस्ट 1000। सो फॉर नियरेस्ट टू राउंडिंग ऑफ नंबर नियरेस्ट 1000, राउंडिंग ऑफ ए नंबर नियरेस्ट 1000, वी हैव टू सी द 100 प्लेस डिजिट, इफ द 100 प्लेस डिजिट इज मोर देन और इक्वल टू 5, देन ऐड प्लस 1 ऑन थाउजेंड प्लेस डिजिट, जो 1000 प्लेस में हो उसको ऐड कर देना है, एंड मेक 0000 इसको वंस टेंस एंड 100 प्लेसेस डिजिट, यानी कि 1000 के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जो वंस टेंस और 100 प्लेस में होगा उसको क्या करना, 0, 0 फॉर्म कर देना पड़ेगा। ये रूल है आपका, तो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ डी, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ डी आई एम टेकिंग हियर, 108 1017, सो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ देख लो, मैं बता रहा हूँ आपको, राउंडिंग ऑफ ए नंबर नियरेस्ट 1000 वी हैव टू सी द 100 प्लेस, सो वंस टेंस 100 यहाँ है, और क्या करना है, 100 से लेके वंस तक को 0, 0 फॉर्म कर देना है, और देखना किसको, 100 प्लेस को, 100 प्लेस में अगर आपका 5 से ज़्यादा है तो 1 + कर दोगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर एच आई एम टेकिंग 7, 4, 7, 4, 4, 9, 9, सो हियर मेक वंस टेंस एंड 100, डेट इज़ 0, 0 बना देना है नियरेस्ट 1000 के लिए, नियरेस्ट 1000 के लिए, बाबा ने बताओ नियरेस्ट 1000 के लिए।
ये हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा इसको, फिर यहाँ पे 4 डेट इज़ 5 से छोटा है, 100 प्लस को देखना पड़ेगा, 5 से छोटा है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, डेट इज़ 4, 7 ये आपका है। सो इस तरह से आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.8 सॉल्व करना है। ओके, एंड इन क्वेश्चन नंबर 4 लिस्ट ऑल द नंबर्स विच कैन बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस एज 960, है ना। तो लिस्ट ऑल द नंबर एज ए नियरेस्ट 960, कौन कौन सा नंबर है जो 960 के आप नियरेस्ट कर सकते हो, तो इसको खुद से आप बनाओ, फिर नहीं बनेगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस इन दिस 4, 5, 6 इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ टू राउंडिंग ऑफ ए नंबर नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। सो लेट्स डू इट इन योर स्कूल नोटबुक। ओके क्लास, थैंक यू।